हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये अक्टूबर महीने का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में हमने सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले मंथ्स के रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए एमओयू का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज को खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर घोषित किया गया, यह कहां पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में स्थित है और इसे खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुप्त काल के बाद के अवशेष पाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बदायूं में। और दोस्तों, ये जो अवशेष पाए गए हैं ये कितने प्राचीन हैं, यानी कितने वर्ष ये पुराने बताए जा रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है 1300 से 1400 वर्ष ये पुराने बताए जा रहे हैं। और ये कहां पर पाए गए हैं? बदायूं में। तो आपको ध्यान रखना है गांव खेड़ा जलालपुर में ये अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत। और इन्हें कब नामित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 2021 को इन्हें एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने सभी ट्रेनों में सीसी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है, इसकी शुरुआत किस ट्रेन से हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमसफर एसी एक्सप्रेस से। और ये जो हमसफर एसी एक्सप्रेस है ये कहां से बनकर के चलती है? तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर से ये ट्रेन शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी अरविंद चतुर्वेदी को किसके द्वारा राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। और यहां पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये है एसपी अरविंद चतुर्वेदी, जिन्हें राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार देकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। अब दोस्तों, इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है? तो देखिए, विधायक मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर फिरदौस 7 साल तक फरार रहा। इस बीच जो है वो हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। वह इतना शातिर था कि वारदात के बाद पुलिस की दर्जनों टीमों और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्थाओं को भी चकमा दे जाता था। लेकिन एक सूचना के आधार पर जो पुलिस अधिकारी हैं अरविंद चतुर्वेदी, इनकी टीम ने शार्प शूटर को मार गिराया था। तो इसी उपलब्धि को लेकर के इन्हें राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा नेशनल पार्क में। अब दोस्तों, यहां पर क्या है कि उत्तर प्रदेश का ये नेशनल पार्क है जहां पर ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब इसके माध्यम से जो पर्यटक होंगे उन्हें जो है काफी नजदीक से जो जंगली जानवर है उन्हें देखने का मौका मिलेगा और प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है उसे भी वो काफी नजदीक से देख पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल कॉरिडोर प्रथम चरण में दिल्ली से किस शहर को जोड़ेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ को। भारत का पहला RRTC कॉरिडोर यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा बनाया जा रहा है। इस परियोजना में 82 किलोमीटर में 70 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पहले चरण में यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। इस पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 111.85 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 मिनट से भी कम समय में तय की जाएगी।
इस परियोजना की अगर लागत की बात की जाए तो 30,274 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी, यानी 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और इस पर जो है 24 स्टेशन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर कहां से कहां तक बनाया जाएगा। पहले चरण में तो दिल्ली से मेरठ तक ये पहले चरण में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर है जो कि नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी किसे बनाने का फैसला हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलवीर गिरी को। अगला क्वेश्चन है, यूपी सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कोच निम्न में से किसे बनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वाति सिंह को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में कितने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75 इलेक्ट्रिक बसों को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लखनऊ में आयोजित हुआ था न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव, तो उसके उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहां बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। कूड़े से बिजली यानी वेस्ट टू एनर्जी बनाने का यूपी में सबसे पहला प्लांट कानपुर में लगेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके साथ ही इस प्रकार का एमओयू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया। और इसका जो दूसरा प्लांट है वो कहां पर लगाया जाएगा, तो ध्यान रखना है प्रयागराज में ये दूसरा प्लांट लगाया जाएगा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट होगा जो कि कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो कानपुर में ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। और अगर दूसरा प्लांट पूछा जाता है तो ये प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन इको स्मार्ट होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों ये जो 7 रेलवे स्टेशन है जिन्हें इको स्मार्ट के लिए चुने गए हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है एनजीटी ने 7 रेलवे स्टेशनों कौन कौन से हैं, लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और मनकापुर स्टेशन को नामित किया है। एनजीटी की ओर से चिन्हित स्टेशनों को इको स्मार्ट स्टेशनों के रूप में पहचान बनाने और विकसित करने के दिशा निर्देश रेलवे को दिए गए हैं। एनजीटी के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। स्टेशनों पर खान पान से लेकर पानी के नमूनों की जांच कराई जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग के पास फैला कचरा हटाया जा रहा है। लखनऊ जंक्शन पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। एनजीटी के हर बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनजीटी ने 7 रेलवे स्टेशनों को चुना है इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए, और वो 7 स्टेशन कौन कौन से हैं तो अभी हमने आपको ये बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। और ये जो नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका आयोजन कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 4 से 7 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान शरीर में जाकर बीमारी का पता लगाने वाला माइक्रो रोबोट बना रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। अब दोस्तों ये जो रोबोट है ये एक अनोखा रोबोट होगा, और ये जो रोबोट है ये शरीर के अंदर जाकर के ये पता लगाएगा कि शरीर के किस हिस्से में कहां पर कौन सी बीमारी है और उसकी सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो खास रोबोट है वो IIT कानपुर के विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या यहां पर काफी ज्यादा है, और अगर हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में देखने के लिए हमने आपको बताया कि आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में सभी क्वेश्चन को डिटेल्ड पूर्वक बताया गया है। और PDF आप कहां से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में बनारस में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध रटौल आम का पेटेंट किया गया। यह आम उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बागपत से। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजेश बिंदल को। और दोस्तों इन्हें जो है कब नियुक्त किया गया, यानी इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो कब ग्रहण किया, तो ध्यान रखना है 11 अक्टूबर 2021 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे मछली पकड़ने में वृद्धि, मछुआरों की आजीविका में सुधार और नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विशेष गतिविधि के रूप में पेश किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, NIRF 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NIET नोएडा। और दोस्तों ये जो NIET नोएडा है इसकी देश भर में रैंकिंग कितनी रही, तो आपको ध्यान रखना है ये देश भर में 171वीं रैंक इसकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले टॉप 10 में शामिल रहे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने जमीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्ट का शुभारंभ कहां से किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने जमीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्ट का मुंबई से शुभारंभ किया। इसी सिलसिले में माया नगरी मुंबई में पीढ़ियों से आकर बसे उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके जमीन से जोड़ने की प्रक्रिया में प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के हाथों यूपी कनेक्ट कार्यक्रम का श्री गणेश मुंबई से किया गया। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन पंकज जायसवाल की अगुवाई में शुरू इस कार्यक्रम को विश्व पटल पर ले जाने का दृढ़ निश्चय भी किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल यूपी कनेक्ट जो अभियान है उसका शुभारंभ कहां से किया गया है, तो मुंबई से उसका शुभारंभ किया है। और किसने इसका शुभारंभ किया है, तो प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। और ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके जमीन से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों में लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में। अब दोस्तों ये जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ओडिशा है, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये वो 7 राज्य हैं जहां पर जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के 91वीं बटालियन का मुख्यालय कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। तो आपको ध्यान रखना है कि रैपिड एक्शन फोर्स की 91वीं बटालियन का मुख्यालय कहां पर बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान किस देश के राष्ट्रपति का उतरा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के राष्ट्रपति का। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों ये जो कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है। यानी अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट कौन सा है, तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका आंसर होगा। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये कितना लंबा है, तो ये 3.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार उत्तर प्रदेश से किस देश को केला निर्यात किया गया? तो ये किया गया है ईरान को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पहली वन हेल्थ परियोजना किसने शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेणु स्वरूप ने। अगला क्वेश्चन है,
हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में हुनर हाट का आयोजन किया गया 16 से 25 अक्टूबर तक। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया, तो आपको ध्यान रखना है रामपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में स्थान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मयंक किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से। कुछ बेहतर करने का लक्ष्य लिए प्रयागराज के सुराव क्षेत्र के मेधावी छात्र मयंक मिश्रा ने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब दोस्तों ये जो मयंक मिश्रा है, इन्हें गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में जगह क्यों दी गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है गूगल, उसमें इन्होंने कमी खोजी है और इसी वजह से गूगल ने इनकी सराहना की है और गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में इन्हें जगह दी है। दरअसल दोस्तों क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो टेक्निकल कंपनियां हैं वो बाउंटी प्रोग्राम का आयोजन करती हैं। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो टेक्निकल कंपनियां हैं उसमें अगर कोई भी यूजर्स कोई कमी ढूंढता है, यानी कोई खामी ढूंढता है और उसे सबमिट करता है कंपनी को, और अगर वास्तव में वो खामी सच में पाई जाती है तो यूजर्स को जो है कंपनी की तरफ से इनाम दिया जाता है। तो इसी के चलते जो प्रयागराज के मयंक मिश्रा हैं, इन्होंने जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, उसमें एक कमी खोजी है और इसी के चलते जो है ना गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये प्रयागराज के सुराव क्षेत्र के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा घटाकर राजघाट से कितना किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPV NCR क्षेत्र के दायरे को कम करने के प्लान पर काम कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भौगोलिक आकार राजघाट दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे में होगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो NCR में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के 24 जिले और पूरी दिल्ली शामिल है, यानी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है मिलकर के NCR बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 राज्य। कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान और पूरी दिल्ली। वर्तमान में अगर इसका एरिया देखा जाए तो 55,083 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, यानी NCR का क्षेत्रफल है। और अगर नए प्लान को लागू किया जाता है तो हरियाणा के पानीपत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्से NCR से हट जाएंगे। नई योजना के लागू होने के बाद NCR का जो क्षेत्रफल है वो घट करके कितना रह जाएगा? तो 37,115 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रह जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है, यानी NCRPV, ये NCR क्षेत्र के दायरे को कम करने को लेकर के प्लान बना रहा है। और इसे कम करके कितना किया जाएगा? तो दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे में NCR का क्षेत्र जो है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं इस तरह की होती है रोपवे सेवा, और रोपवे सेवा को उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आपको ध्यान रखना है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल मिर्च को। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी का पहले से ही एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो बनारसी रेशम साड़ी वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद था, और अभी हाल ही में वाराणसी के लिए जो है दूसरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया? तो ध्यान रखना है लाल मिर्च को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से। और कब की है? तो आपको ध्यान रखना है 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत वाराणसी से की है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग को प्रति व्यक्ति कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नितिन अग्रवाल। और आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों से दहेज संबंधी शपथ पत्र मांगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दहेज को लेकर अभियान छेड़ दिया है और इसके तहत क्या किया गया है कि राज्य के सभी कर्मचारियों को यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज लिया है या नहीं लिया है। और ये जो आदेश है वो खासकर 31 अप्रैल 2004 के बाद शादी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा और उन्हें इसका शपथ पत्र देना होगा। राज्य सरकार के आदेश के तहत शपथ पत्र ना देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो अभियान है यानी दहेज को लेकर के जो अभियान शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, देश भर में अपराध करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य अपराध करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं देश भर में अपराध का पता लगाने के मामले में अगर देखा जाए तो भारत का गोवा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। गोवा राज्य द्वारा चलाई गई अहम पहलों की मदद से गोवा राज्य इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये अपराध करने के मामले में पहले स्थान पर रहा और जो गोवा है ये अपराध का पता लगाने के मामले में पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन लॉन्च की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी में। और आपको ध्यान रखना है कि कौशाम्बी में जो मोदी वैन है वो लॉन्च किसने की है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी वैन लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो किसकी ओर से दिया गया है, तो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से इस अवार्ड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने। यानी ये जो कपड़ा है वो खास तरह का कपड़ा होगा जो कि धूप से तो बचाएगा ही, साथ ही अल्ट्रावायलेट किरणों का भी इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो इस तरह का विशेष कपड़ा ही कहां पर तैयार किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसे तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर के किस छात्र ने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निर्भय कटिया। और यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं इस तरह का, ये जो ब्लाइंड ग्लव्स है वो निर्माण किया गया है और किसने किया है, तो IIT कानपुर के छात्र हैं निर्भय कटिया। अब दोस्तों इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि जब भी कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति इस ग्लव्स को पहनेगा तो उस ग्लव्स के 90 सेंटीमीटर के आसपास अगर कोई भी वस्तु होगी, जैसे टेबल है, कुर्सी है या और कोई भी वस्तु जो कि 90 सेंटीमीटर के आसपास होगी, तो ये जो ग्लव्स है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जिससे जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उसे ये पता चल सकेगा कि 90 सेंटीमीटर के आसपास में कोई वस्तु है और वो आगे बढ़ने के लिए जो है अपने आप को फिर संभाल सकता है। तो इस तरह का जो खास ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किया है वो किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना है निर्भय कटियार ने किया है और ये IIT कानपुर के छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? तो आपको ध्यान रखना है इसका फैसला किया गया है अयोध्या कैंट रखने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो फैजाबाद जंक्शन है उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम क्या किया जाएगा, तो अयोध्या कैंट उसका नाम किए जाने का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नया गोरखपुर। हाल ही में प्रदेश में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह शहर सोनमरसा रोड यानी कुशीनगर मार्ग पर करीब 2500 एकड़ में बसाया जाएगा। शहर के बीचों बीच मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक सिटी सेंटर बसाने की भी योजना है। इस नए गोरखपुर में करीब 1.5 लाख की आबादी बसाने की योजना है। इसके लिए महायोजना 2031 में प्रावधान किए जा रहे हैं। इस नए शहर में ग्रुप हाउसिंग, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, अस्पताल,
पेट्रोल पंप जैसी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में एक नया शहर बसाया जाएगा, किस नाम से, तो नया गोरखपुर बसाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैस पाइपलाइन को मॉनिटरिंग करने के लिए खास तरह का रोबोट किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर ने। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि IIT कानपुर के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक रोबोट तैयार किया है और ये जो रोबोट है ये गैस पाइपलाइन को मॉनिटर करेगा। इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वो कितनी रफ्तार से ये रोबोट चल सकता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रोबोट चल सकेगा और पूरी गैस पाइपलाइन को ये चेक करने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों के पानी की गुणवत्ता प्रदूषण स्तर की जानकारी देने वाला हाईटेक रोबोट किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पानी की गुणवत्ता प्रदूषण स्तर की जानकारी देने वाला हाईटेक रोबोट है वो IIT कानपुर ने किसके सहयोग से तैयार किया है? तो आपको ध्यान रखना है IIT कानपुर ने USA की वुड्स होल ओसनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस तरह का रोबोट तैयार किया है। नाम ध्यान रखना है IIT ने किसके सहयोग से, तो USA की वुड्स होल ओसनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस रोबोट को तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर की। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि किस मेडिकल कॉलेज में हुआ है तो आपको नाम ध्यान रखना है GSVM जो कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज है और यहां पर पहली बार प्रदेश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अस्पताल में, तो आपको ध्यान रखना है कानपुर का हेलट अस्पताल यानी LLR अस्पताल, लाला लाजपत रॉय हॉस्पिटल जो है उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, अगर मेडिकल कॉलेज पूछा जाता है तो GSVM और अगर हॉस्पिटल पूछा जाता है तो LLR हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 मेडिकल कॉलेजों का। अब दोस्तों ये जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। ये जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो आपको ध्यान रखना है सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में ये मेडिकल कॉलेज स्थित हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए 900 MBBS कोर्स सीटें और 3000 बेड बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि वर्ष 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो है 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे USA में ब्लैक व्हेल रोसेनब्लूथ अवार्ड मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर दूतिका वत्स को। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो प्रोफेसर दूतिका वत्स है ये IIT कानपुर की गणित और सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए क्योंकि जो प्रोफेसर दूतिका वत्स हैं ये पूरी एशिया में इस अवार्ड को पाने वाली अकेली हैं, यानी पूरी एशिया में जो है इन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी सारंग तोप का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया, यह आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मरीज कहां पर पाया गया? तो जीका वायरस का पहला मरीज पाया गया है कानपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अक्टूबर 2021 को कहा कि अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग मुफ्त में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार
वरिष्ठ नागरिकों की जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सिरणी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति सहित अन्य स्थानों की तीर्थयात्रा का पूरा खर्च वहन करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में एक योजना चलती है, कौन सी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इसके तहत क्या होता है कि जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं वो मुफ्त में तीर्थ यात्रा करती है। और कहाँ पर तीर्थ यात्रा कराई जाती है, तो जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम, सिरणी और उत्तर प्रदेश की मथुरा में, हरिद्वार और तिरुपति सहित जो है और भी कई अन्य स्थान है जहाँ पर तीर्थ यात्रा जो है वो कराई जाती है दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को। और इस यात्रा के दौरान जो भी खर्च होता है वो पूरा सरकार वहन करती है। तो इसी योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या को तीर्थ स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार के लिए। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है 2021 में सुहास एलवाई सहित 35 खिलाड़ियों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और दोस्तों ये जो सुहास एलवाई हैं इनके नाम एक रिकॉर्ड भी बना है कि पैरालंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले IAS अधिकारी हैं। और इन्होंने किस स्पर्धा में पदक जीता था, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पैरालंपिक में पुरुषों की बैडमिंटन स्पर्धा में पदक जीता था। और कौन सा पदक जीता था, तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बांदा का। तो आपको ध्यान रखना है कि बांदा का भी नाम बदला जाएगा और इसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा जाएगा, तो महर्षि वामदेव के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ फ्रेंचाइजी। और दोस्तों लखनऊ फ्रेंचाइजी की जो बोली लगी है वो कितनी लगी है, तो आपको ध्यान रखना है 7,090 करोड़ की बोली लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी से। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। और दोस्तों हर एक क्वेश्चंस को हमने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताते तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। और अगर आपको इसके सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड में देखने हैं तो इसके सारे क्वेश्चंस आप डिटेल में PDF में देख सकते हैं। और PDF आपको कहां से डाउनलोड करनी है ये हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।